सभी को मैदानों में भी, और ये देख सकते हैं चुड़दारी। छिदन्ति दुःखानि सर्वे जनानां, हरन्ति पापान् तव नाम देहं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, श्रीनागराजं त्वमहं नमामि, श्रीसेमनागं त्वमहं नमामि। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिनाली शौड़ के खूबसूरत गांव गडूली से। तो साथियों, आज सनातन का मूल नक्षत्र का त्यौहार है। तो साथियों, जो मूल नक्षत्र होता है उस समय आषाढ़ में हर वर्ष त्यौहार मनाया जाता है। ग्राम देवता नागराज की थौलू है आज, तो दिखाता हूँ किस प्रकार हमारे गांव में नागराज की थौलू मनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को उत्तराखंड रीति रिवाज में आगे। तो चलिए, आज गांव में हिरन भी आ रखा है, आप दिखाता हूँ। और साथियों देखो, हिरन देखो, हिरन गांव में ही आ रखा आज। यार आ गए, ये देखो। और साथियों, जैसा आप सभी को बताया था कि मूल नक्षत्र है तो इसमें बारिश जरूर होती है, और इंद्रदेव भी हल्की बूंदाबांदी कर दी है और ग्राम की थौलू चल रही है, बच्चे लोग नचा रहे हैं।
नहीं थे मत खेला हेलो नोडियल है मत क्या बैठी हो मैं ल मंगल दल के अलग अलग मैं ल मंगल दल आप ही चैन वाला आप ही फॉलोअर आप साथियों मेले के बाद हम पुलम झाड़ रहे हैं यहाँ से, ये देखिए कितनी पक रखी है अपना पहाड़ नहीं है यार, ये है पुलम। इसका पेड़ है, इसको चढ़ा। और साथियों मूल त्योहार मनाने के बाद झमाझम बारिश हो रही है और ये है देवभूमि उत्तराखंड की आस्था। और साथियों ऐसे नहीं मनाया जाता है कोई भी त्यौहार, उसके पीछे कुछ ना कुछ पौराणिक तथ्य छिपे होते हैं, पौराणिक रीति रिवाज छिपे होते हैं, इसीलिए देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। तो चलिए आप बारिश का एंजॉय करिए, फिर वीडियो भी समाप्त। तो दगड़ियों काफ़ी अंतराल बाद इंद्रदेव भी बरस रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो इस बारिश से काफ़ी राहत मिलेगी पहाड़ वासियों को, सभी को मैदानों में भी। और ये देख सकते हैं चुनदारी, और ये अपने गांव का नज़ारा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी पहाड़ों में भी इस बार, वैसे होती नहीं है लेकिन फिर भी बहुत हो रही थी। और अब देखते हैं चौमास भी आने वाला है, क्या पता इस बार ज़्यादा बारिश ना कर दे इंद्र देवता। और ऐसा है कुछ अपना ग्राम गडोली जिला उत्तरकाशी। थंडर स्ट्रॉम भी ज़्यादा आ रहा है साथियों, लाइटनिंग भी हो रही है, थंडर लाइटनिंग। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले उत्तराखंड रीति रिवाज की वीडियो में ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।